केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पुरानी पेंशन लागू होने पर निकाला गया आभार रैली, मुख्यमंत्री और विधायक का आभार व्यक्त किया गया। पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वावधान में प्रखंड परिषद स्थित गांधी सद्भावना स्थल से बसुआ चौक महागामा तक पेंशन आभार रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। रैली में शामिल सभी विभाग के NPS कर्मियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी। रैली को संबोधित करते हुए NM OPS के प्रखंड सह संयोजक रितेश रंजन ने कहा कि पेंशन महज कुछ रुपए नहीं होते हैं, बल्कि यह बुढ़ापे का चादर होता है। झारखंड में सबसे पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा में उठाया था और तब तक लगी रही जब तक यह लागू नहीं हो गया। जिला सह संयोजक मुरारी प्रसाद शर्मा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह का दिल से आभार की। उनकी वजह से आज हम सभी लाखों सरकारी कर्मियों के परिवार वालों को दीपावली मनाने का मौका मिला। आगे प्रखंड संयोजक अब्दुल मनान ने कहा कि हम सभी सरकारी कर्मी माननीय मुख्यमंत्री एवं विधायक का यह एहसान ताउम्र नहीं भूलेंगे। आज के इस रैली में राजेंद्र पांडे, नीलेश, गणेश, सुनील, रितेश रंजन, नियाज अहमद समेत दर्जों NPS कर्मी उपस्थित थे। जिस तरह विधानसभा में पहली बार प्रमुखता से पुरानी पेंशन की मांग को दीपिका पांडे सिंह जी ने उठाया था और तब तक लगी रही जब तक कि वो लागू नहीं हो गया, तो उसके लिए पुनः एक बार हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और आज हम सभी सरकारी कर्मी यह मांग करते हैं, जिस तरह प्रमुखता से उन्होंने हमारी मांगों को लड़ा, हमारी लड़ाई लड़ी, उनको झारखंड का अगले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिलना चाहिए। आप सभी केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।